हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे न्यू वैकेंसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कि अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, साथ ही भारत के कई सारे स्टेट्स में भी इनकी सरकार है, तो रेलवे न्यू वैकेंसी के ऊपर, स्पेशली रेलवे भर्ती के ऊपर आखिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या जवाब दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार हमसे सवाल आता है कि सर हम लोग फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, हम लोग फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब तक स्टूडेंट किसी भी कंटेंट को फ्री में जब तक कंज्यूम नहीं करते हैं, तब तक स्टूडेंट्स को ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, सरकारी जॉब फाइंड SJF टेस्ट, ठीक है, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को 3 महीने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है SJFTEST, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 3 महीने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं बीजेपी बिहार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे या फिर X.com पे, चूँकि ट्विटर का नाम अब X हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका हैंडल है बीजेपी बिहार और इनका हैंडल है @BJP4Bihar, और यहाँ पे वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी है, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। और यहाँ पर इनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है जिसमें ऐसा लिखा गया है, रोजगार सृजन की नहीं थमेगी रफ्तार क्योंकि केंद्र में है मोदी सरकार। हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, #BJPDevelopingBharat। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इनके द्वारा एक पोस्टर ऐड किया गया है, ये पोस्टर आपके सामने है, ये देखिए, क्या बिहार जानता है ? मतलब ये बीजेपी बिहार आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाह रही है कि क्या आप लोग जानते हैं कि 5 साल में रेलवे में 2.94 लाख खाली पदों को भरा गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कि मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, मेरे लिए शब्दों की गरिमा आगे आ जाती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का है या वर्तमान की केंद्र सरकार का है, सारी हदों को पार कर दी है। आखिर ये लोग कब तक NTPC और ग्रुप डी की पुरानी भर्तियों को गिनती करवाते रहेंगे, इसकी इन्होंने सीमा पार कर दी है। यहाँ पे देखिए आपके माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का फोटो है, यहाँ पे आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, और यहाँ पे लिखा गया है रोजगार सृजन की नहीं थमेगी रफ्तार, ये है मोदी सरकार। और इस ट्वीट की डेट और तारीख भी देख लेते हैं, तो बहुत पुरानी ट्वीट बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो ये आपको लोगों जो ट्वीट किया गया है ये 9 दिसंबर 2023 को किया गया है, शाम को 7:30 पे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सारी चीज़ें आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप वीडियो बना बना करके हमारा टाइम ख़राब क्यों करते हैं, आखिर हम लोग 4.5 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं, जब भर्ती आई ही नहीं है तो आप हमें अपडेट ही क्यों दे रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत स्पष्ट और क्लियर जवाब देना चाहूँगा फ्रेंड। हम लोग लगातार स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते रहते हैं और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जब भी आपको जहाँ पर भी पढ़ाई से अलावा जब भी आपको समय मिलता है, आइदर बीजेपी बिहार हो, बीजेपी झारखंड हो, भारत के कोई भी स्टेट्स की बीजेपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो या फिर बीजेपी इंडिया का ट्विटर हैंडल हो, आप लोग लगातार टैग करके जिनको भी मौका मिले अपनी बातों को आगे पहुँचाते रहिए। और कहीं ना कहीं ये कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया होगा, तभी जैसे कि इनके द्वारा ये जवाब दिया गया है। अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा, सर उनके जवाब से हमें क्या फ़ायदा। देखिए फ्रेंड्स, उनके जवाब से ये तो एटलीस्ट पता चलता है उनको कि वो लोग कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स के दबाव में हैं, तभी आप सभी स्टूडेंट्स को जवाब दिया जा रहा है, प्रॉपर पोस्टर बना करके जवाब दिया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 2024 में आप सभी स्टूडेंट्स का लोकसभा इलेक्शन है, ठीक उसी प्रकार से 2025 में बिहार का विधानसभा इलेक्शन भी है। और आपको पता होगा रेलवे भर्ती की जब बात आती है तो मैक्सिमम जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो बिहार के ही होते हैं, और मैक्सिमम जो सिलेक्शन लिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा वो भी बिहार के ही होते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कहीं भी आपको जब भी मौका मिलता है अपना दबाव बनाए रखिए, और जो कुछ भी कहीं से भी कोई भी छोटा से छोटा ऑफिशियल जवाब आता है, हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर से जरूर अपडेट करेंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट हमें कितने भी निगेटिव बातें क्यों ना बोले। तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स लगातार अपना दबाव बनाए रखेंगे, और इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स के दबाव के कारण एक ना एक दिन आप सभी स्टूडेंट्स को रेलवे में नई भर्ती देखने को जरूर मिलेगी। तो बीजेपी बिहार के द्वारा जो जवाब दिया गया है, इस जवाब के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या स्टूडेंट्स को लगातार प्रयासरत रहना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना चाहिए और रेलवे में नई भर्ती का इंतजार करते रहना चाहिए। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।